आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चिकित्सीय सुविधा देने वाला मंडली जिला चिकित्सालय आज जल भराव से खुद बीमार की स्थिति में है। जिले में 3 सप्ताह से पूर्व हो रही बारिश से जहां जिला जल भराव से ग्रसित रहा, वहीं मंडली जिला चिकित्सालय भी जल भराव का शिकार है। जहां पानी निकासी हेतु समुचित व्यवस्था न होने व सेफ्टी टैंक टूट फूट के चलते खुले रहने के कारण संक्रमित होने का खतरा बराबर बना हुआ है। जल भराव के कारण बहुत से रोग होने की संभावना रहती है, जिससे लोग बीमार होते हैं। लेकिन जिस चिकित्सालय में लोग उपचार के लिए जाते हैं, उसको खुद उपचार की आवश्यकता है। जहां अस्पताल 16 सितंबर से जल भराव से ग्रसित हो गया, ऐसे में अस्पताल के परिसर में गंदा पानी, लंबे समय से निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अस्पताल शिकार के जद में है। निकालना ही एकमात्र उपाय है। अस्पताल के SIC का कहना है कि इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन इससे निजात के लिए नगरपालिका व सिंचाई विभाग जिम्मेदार है। सर, जिला स्तर पर पानी का प्रकरण माने जमीन जाम हो गया, क्या इस मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में पानी के भराव की समस्या काफी दिनों से है। इसके बारे में हमने आयुक्त, जिलाधिकारी, EDM प्रशासन और नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को कई महीनों से अवगत करा रखा है। नगर पालिका और जल निगम से बार बार मैटर्स के द्वारा अवगत कराया गया है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा इस पर कार्य होने अभी बाकी है। सर, बीमारियाँ भी हैं और साफ सफाई भी नहीं है, क्या लगता नहीं सर कि नगर पालिका या जिला स्तर लापरवाही सर है? हमारे द्वारा जो संस्था यहाँ पे सफाई का कार्य करती है वो अपनी तरफ से करती रहती है, लेकिन सीवर सिस्टम जब तक हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसकी सफाई नहीं होगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। किसको सर दोषी मान रहे हैं आप? नगर पालिका और जल निगम को इसमें कार्य करना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।